हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तन्वी पाहुजा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज। तो क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज से डील कर रहे थे, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। लास्ट लेक्चर पे जाइए आप लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत ही अच्छे से समझिए। मैंने वहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ डील किया है। तो आज हम देखेंगे जब 1900 ये अनाउंस किया कि वो बंगाल जो नर्व सेंटर नेशनलिज्म का, इंडियन नेशनलिज्म का, उसका पार्टीशन करने वाला है, तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस डिसीजन पे। 1903 में जैसे ही ये अनाउंस होता है, कौन करता है, लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम पर वॉइस रॉय रहते हैं, वो जब ये डिसाइड करते हैं कि पार्टीशन कर देंगे बंगाल का, तो इंडियंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कैंपियन करना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट, टू प्रोटेस्ट दिस आइडिया ऑफ डिविजन। तो इन दिस प्रोटेस्ट एक एंटी पार्टीशन कैंपियन स्टार्ट होता है। कौन करता है इसको, इट इज़ लेड बाय मॉडरेट्स, जो चलता है मॉडरेट्स की लीडरशिप में 1903 से 5 तक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और परवेश चंद्र, ये जो है लीडर्स रहते हैं इस समय पे एंटी पार्टीशन कैंपियन के अंदर। इस कैंपियन के अंदर वो लोग पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट कि इस पार्टीशन को जो है हम नहीं मानते, इंडियंस आर अगेंस्ट दिस पार्टीशन। पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं थ्रू मीटिंग्स, मेमोरेंडा, और प्रपोगेट करते हैं इस बात को थ्रू व्हाट, पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स। अलग अलग पैम्पलेट्स, अलग अलग न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटेंशंस को छापते हैं ताकि जो मासेस हैं इंडिया की, उनको पता चले कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस क्या हैं। तो किन न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो ये करते हैं, दे आर हिताबड़ी, संजीवानी एंड बंगाली। याद रखिएगा आप किस तरीके से 1903 से कैंपियन स्टार्ट हुआ था, एंड दैट वाज लेड बाय मॉडरेट्स। ओके, एक अगस्त 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर होती है, कलकत्ता हॉल में। किसकी मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्योंकि बंगाल के डिवीजन की अनाउंसमेंट हुई है, तो मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि वी विल स्टार्ट अ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी, मतलब स्वदेशी मूवमेंट का एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है अब। और यहाँ पर बॉयकॉट के रिजोल्यूशन को पास करते हैं। बॉयकॉट मतलब हम बहिष्कार करेंगे अब फॉरेन गुड्स का। ओके, तो यहाँ 7 अगस्त 1905 को कह सकते हैं हम कि फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट जो है पास हो जाता है। इसके बाद भी, इतने विरोध के बाद भी, ब्रिटिशर्स नहीं समझते और अक्टूबर 16 1905 को फॉर्मल पार्टीशन जो है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन आज अक्टूबर 16 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया फॉर्मली किसको, बंगाल को। और इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग घोषित किया इंडियंस के थ्रू। डे ऑफ मॉर्निंग मतलब दुख का दिन था ये इंडियंस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया हमने। अब इसके बाद, क्योंकि आप फॉर्मल पार्टीशन हो गया, ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स जो हैं इतने समय से लड़ रहे थे जिस अनाउंसमेंट के प्रति, वो उन्होंने फॉर्मली आज कर ली, तो मॉडरेट्स की ब्रिटिशर्स ने नहीं सुनी। लोग इसका विरोध कैसे करते हैं, बंगाल के लोग, पीपल फास्टेड, भूखे रहते हैं पीपल, दे गो फॉर बाथ इन गंगा एंड वॉक्ड बेयर फुट, नंगे पैर लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। और क्या गाते हुए करते हैं, वो दो सॉन्ग्स गाते हैं इसके बीच, बंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला। याद रखिएगा ये दोनों सॉन्ग्स जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गए और गाए गए हैं ये। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला तो आज बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग भी है। ठीक है, तो ह्यूज क्राउड जो है वो प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी भी बांधी इस समय पर, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो देखिए पीपल किस तरीके से, जो ह्यूज क्राउड था वो कैसे इकट्ठा होता है और कैसे यूनिटी दिखाता है इंडियंस की अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हालांकि ये मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट मॉडरेट्स ने लेड किया, उसकी भी कुछ सफलता उन्हें मिली नहीं, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल तो हो गया। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब डोमिनेंट पोजीशन लेने लग गए थे, जो लोग थे इंडिया के, मासेस थी, उनके साथ कम्युनिकेट करने लग गए थे और अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। ये मैं अलग से आपको कांग्रेस की और मेम्बर ऑफ कांग्रेस की जो पोजीशन थी इस समय पर वो
बताऊंगी, तो यहाँ समझिए कि अब 1905 तक एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर्ड डोमिनेंट पोजीशन, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बढ़ता गया, इनका पार्टीशन बढ़ता गया। इनकी जो अप्रोच थी स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, दैट वॉज बेस्ड ऑन पैसिव रेजिस्टेंस। इस टर्म को याद रखिएगा, पैसिव रेजिस्टेंस। क्या मतलब था पैसिव रेजिस्टेंस से? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम सिर्फ फॉरेन गुड्स का बहिष्कार ना करें, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स का बहिष्कार करें, कॉलेजेस का करें, उनकी जो प्रोवाइड की गई सर्विसेज हैं उनका करें, कोड्स जो उनने एस्टैब्लिश किए हैं उनका करें, टाइटल्स जो महाराजा वगैरह के टाइटल्स दिए गए हैं इंडियंस को, इंडियंस उसे त्याग दें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हम अटेंड करना बंद कर दें और म्यूनिसिपैलिटीज़ का भी बहिष्कार करें। तो ये अप्रोच थी मॉडरेट्स की। क्या अप्रोच थी वो? पैसिव रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, ये अगर आप आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर और भी अट्रैक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट नाउ लेड बाय एक्सट्रीमिस्ट और उनके प्रोग्राम्स क्या थे। इसके अलावा उनके प्रोग्राम्स क्या क्या इंक्लूड करते थे ये देखते हैं। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जिस तरीके से मॉडरेट्स ने भी फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया, एक्सट्रीमिस्ट लेकिन एक कदम आगे थे। कैसे? इन्होंने बहुत ज़्यादा बहिष्कार करना शुरू किया। इवन ये कहा जाता है जो प्रीस्ट जो शादी वगैरह कराते थे वो मना कर देते थे कि हम ये शादी नहीं कराएंगे अगर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स होगा। जो वॉशरमैन थे वो फॉरेन कपड़ों को धोना, इस्त्री करना, इसके लिए मना करने लग गए। तो इस हद तक जो है वो बॉयकॉट जो था वो पहुँच चुका था। पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशन होने लग गए थे, लोगों तक मासेस के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया गया था। इसके लिए कुछ समितीज बनाई गई थी जिसमें फेमस है स्वदेश बंधप समिति। याद रखिएगा किसने इसको स्टार्ट किया था? अश्विनी कुमार ने। ठीक है, क्यों मैं याद रखने को बोल रही हूँ, ये फैक्चुअल चीज़ें जो हैं ये प्रिलिम्स में आती हैं। कई फेस्टिवल्स और मेले के थ्रू भी उन्होंने जनता से मिलने की कोशिश करी। कैसे? जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इसमें भी अपने स्वदेशी मूवमेंट का अपने मेमोरेंडा, उनका जो प्रोपोगेंडा था अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको फैलाना शुरू किया। अब किसका आइडिया था ये फेस्टिवल्स और मेलेस का और ये गणपति और शिवाजी का फेस्टिवल यूज़ करने का? तो वो तिलक का था। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। दे लेड एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति पे उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपनी शक्ति का उपयोग करें तो हम पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद कैसे उन्होंने बोला कि हम अपनी आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंट हमें कैसे बनना है? ड्यू बाय यूजिंग स्वदेशी और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, हमें फॉरेन गुड्स को बिल्कुल ख़त्म करना है और वही सब चीज़ों को बनाना है ना, कोई प्रमोट प्रोडक्शन करना कहाँ पर करना है? इंडिया में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कल्चरल स्पीयर में भी पहली बार इम्पैक्ट देखने को मिला। मतलब कोई अगर रिवॉल्ट हुआ है या कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो कल्चरल स्पीयर में भी उन लोगों को साथ मिला है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे सॉन्ग्स मैंने बताई कि लोगों ने इन सॉन्ग्स को एज अ सिंबल बना लिया अपने मूवमेंट का, वंदे मातरम या अमर सोनार बांग्ला, जो किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स भी थी जो रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस की बनाई हुई थी। इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा साइंस के स्पीयर में भी इंडिया ने उस समय बहुत कुछ हासिल किया, जिसको किसने कराया? जगदीश चंद्र बोस ने। तो इस तरीके से कल्चरल स्पीयर में भी इस मूवमेंट को एक इन्फ्लुएंस हुआ। ओके, अब इस मूवमेंट की खास बात क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या था, ये हम देख लेते हैं। देयर वाज मास पार्टिसिपेशन। इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन था लोगों का वो कैसे देखने को मिला? स्टूडेंट्स रिजेक्टेड टू गो टू स्कूल्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम स्कूल्स अटेंड नहीं करेंगे, वो जॉब्स नहीं लेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। वुमेन्स जो अभी तक घर में बैठी रहती थी। ओके, दे स्टार्टेड पिकेटिंग शॉप, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, और उसके बाद फास्ट करने लग गई, बहिष्कार किया उन्होंने भी फॉरेन गुड्स का बराबरी से। मुस्लिम्स, अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी भी मूवमेंट का मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। हालांकि इस मूवमेंट में भी ज़्यादा मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन कुछ मात्रा में हमें अपर क्लास मुस्लिम्स जो थे उनका इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। लेबर्स, ट्रेड यूनियंस, इन्होंने भी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया है इन स्वदेशी मूवमेंट। तो मास पार्टिसिपेशन वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग।
उसके बाद इतनी मूवमेंट के बाद भी 1908 तक ये मूवमेंट क्यों चलता है। 1908 के बाद हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। 1903 से स्टार्ट हुआ है 1908 तक। तो आप देखिए इतना लंबा टाइम पीरियड तक अगर कोई मूवमेंट चलता है वो भी मासेस के साथ, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन क्या रीजंस थे ये हम देख लेते हैं। सेवरल गवर्नमेंट्स रिप्रेशंस। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में अगर ऐसी गतिविधियां हो रही थी गवर्नमेंट के विरोध में तो वो कुछ ना कुछ रिप्रेशंस लाएंगे। तो उन्होंने कुछ एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, सीडिशियस एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, आर्म्स एक्ट। तो इसके तहत उन्होंने इस रिवॉल्ट को जो है वो वीक करने की कोशिश करी। उसके बाद इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये मूवमेंट जो थी वो किसी एक लीडर से लेड नहीं की जा रही थी। बंगाल में कोई अलग लीडर है, पंजाब में लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर थे, एक ठोस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1907-1908 का जो समय था, इस समय पर कई लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हुए, कई इंडिया से बाहर चले गए। तो ये जो मूवमेंट है वो लीडरलेसनेस दिखने लग गई इस मूवमेंट के अंदर, कोई भी स्ट्रांग लीडर नहीं था। जैसे जो तिलक थे उनको सीडिशियस एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था। औरबिंदो घोष थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म, उन्होंने तो भैया पॉलिटिक्स छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म धारण कर ली थी। लाला लाजपत राय अपने किसी काम से USA चले जाते हैं, तो लीडरलेसनेस हमें दिखाई देती है, ठीक है। स्प्लिट इन नेशनलिस्ट रैंक। क्या हुआ, 1907 में एक सूरत का सेशन होता है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो दो फेज रहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन रहता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ये जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब लीडरशिप इनके अलग होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, मॉडरेट्स बन जाते हैं लीडर। लेकिन सपोर्ट किसके पास होता है, मासेस का, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट है, मास का सपोर्ट था एक्सट्रीमिस्ट के साथ। अब वही इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं रहे तो सपोर्ट चला गया था मासेस का। हालांकि ये जो सूरत स्प्लिट है इसका पूरा सेशन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाने वाली हूँ, अभी आप रीजंस देख लीजिए स्वदेशी मूवमेंट क्यों फिजल आउट होता है। नैरो सोशल बेस था और ये एक रीज़न है कि इट वॉज कन्फाइंड टू अपर एंड मिडिल क्लास ओनली, ठीक है। जो वेरी लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था स्वदेशी मूवमेंट में, तो ये कारण रहते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट गेट फिजल्ड आउट, ओके। लीडरलेसनेस जो है वो एक मेन रीज़न रहता है इसके। अब असेस करते हैं हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। कैसे, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला है पहली बार स्टूडेंट्स, वुमेन्स, ट्रेड यूनियंस, मुस्लिम सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इस एक्ट ने चैलेंज किया है हेजिमनी ऑफ ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश रूल का जो राज इंडिया में चल रहा है उसको चैलेंज करता है ये। इसके अलावा आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्रीज, एक्शंस, इन सब का भी यूज़ किया गया है पहली बार किसी मूवमेंट के अंदर। इसके साथ साथ एक छोटा सा नेगेटिव भी है इस मूवमेंट का, दैट इज़ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो है दैट स्टेड अवे, ठीक है। अभी भी जो मुस्लिम्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर थे, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी बनाया जाता है 1905 में। हालांकि ये मुस्लिम लीग का जो डिस्क्रिप्शन है ये आगे मैं लेक्चर में आपको देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है कि इन सब का रिजल्ट पिटीशन जो है उसको एन्यूल कर दिया जाता है 1911 में, ठीक है। इस पार्टीशन को एन्यूलमेंट में जो कैपिटल थी अभी तक कलकत्ता, सालों से कलकत्ता जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैपिटल थी इट शिफ्टेड टू दिल्ली, और बिहार और उड़ीसा जो वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ दिया जाता है उसको अब बंगाल से अलग कर दिया, और ईस्ट बंगाल के साथ जोड़ते हैं असम को, इसको एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है। तो ये हमने देखा सबसे पहले पूरा स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अभी हमने पूरा स्वदेशी मूवमेंट देख लिया है। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस की क्या पोजीशन थी, किस तरीके से, क्या रीजंस थे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया 1907 में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेट होते रहें फॉर अवर अपकमिंग लेक्चर्स। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। फॉर एनी क्वेरीज एंड फीडबैक कमेंट, डू कमेंट। थैंक यू।